हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो लेकर वापस आ चुका हूँ। तो ये है कार मोबाइल होल्डर, कार माउंट, और ये जो है शीशे के लिए शीशे पे लगता है वैसे तो, बाकी कुछ आते हैं जो डैशबोर्ड पे लगते हैं तो वो मुझे मिला नहीं। इस तरह से इसमें दो पार्ट में आएगा, एक तो ये वाला क्लिप जिसमें मोबाइल आपका होल्ड होगा, तीसरा ये यहाँ पे जो है इसमें ट्यूब दी गई है, सॉफ्ट ट्यूब, इसको रोटेट कर सकते हैं इजीली, थोड़ा सा इजी मैन्यूवर के लिए। और ऐसे कुछ बुक्स में इस पर बॉक्स में मेंशन नहीं है। और यू लव करके कंपनी है, ऑफलाइन स्टोर से लिया है मैंने और 250 रुपीज़ का मिला है मुझे, बाकी ऑनलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा था तो मैंने कहा चलो एक बार ऑफलाइन देख लेता हूँ। मैं एक ही उनके पास पीस था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बाकी इसका प्रोजेक्शन मतलब कैसे चल रहा है, कैसी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको इसकी वीडियो के एंड में आपको अपलोड कर दूँगा। इस तरह से बॉक्स में इसका क्लिप आ गया, ये रहा, ये देखें आप कितना बड़ा आपका फ़ोन होगा, तो आप इसको ईजीली लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ये देखें, ठीक है। बाकी क्वालिटी ठीक ठाक है, और यहाँ पर ये ऐसी जो चीज़ है ये इसके अंदर फंस जाती है, ये ऐसा है, ये ऐसा लग जाएगा। बाकी इससे या मूव कर सकते हैं, पता नहीं ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं चलेगी वो मैं आपको बता दूंगा जैसे भी इसका यूसेज होगा। यहाँ पे इसको बस आपको फंसाना है, ये टाइट हो गया, ऐसे लग जाएगा ये, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल जो है इसके अंदर इस तरह से फंसा सकते हैं। बाकी मैं आपको मोबाइल लगा के इसके अंदर दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास फ़ोन, अभी मैंने इसका कवर भी नहीं हटाया, वीडियो थोड़ा पास से बनानी पड़ रही है क्योंकि ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ मैं। ये आप देखें तो इस तरह से ये लग जाता है, आप देखें मेरा फ़ोन है ना, और अगर आपको इसको घुमाना है तो आप इस तरह भी इसको लगा सकते हैं, तो ये बेसिकली है ही, चलिए ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, 360 डिग्री घूम जाता है ये। और अब मैं जो आपको वीडियो आगे लगाऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसा काम कर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ इशू लग रहे हैं तो वो मैं आपको बताऊँगा क्या है, उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा मैं। तो ये छोटा अनबॉक्सिंग वीडियो था, इसी वीडियो के आगे अटैच कर दूँगा तो आपको मुझे बताना कैसा लगा। बाकी मुझे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, और इससे अच्छे अच्छे मिलते हैं मार्केट में, और जो आपको रोड साइड जो ट्रैफिक में मिलते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे ही रहते हैं मुझे लगता, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये टूट सकता है इसका, ज़्यादा घूमेगा वूमेगा नहीं, क्योंकि इसको ना स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है अगर व्लॉग वगैरह पड़ते हैं तो। यहाँ पर मैंने कैमरा माउंट लगा दिया है फ़ोन के साथ और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और दिखाता हूँ आपको कैसा रहा क्या है। और अभी से ये बहुत ज़्यादा घूम रहा है और मुझे मुश्किल लग रहा है कि सही से स्टेबल हो पाएगा नहीं, और छोटे मोटे पास होल्स आए हैं और ये देखें, इसीलिए मुझे लग रहा थोड़ा सा डाउट है। तो ये घूम गया है पूरा और फ़ोन का भी वेट नहीं संभाल पा रहा है तो मुझे इसे निकालना पड़ेगा। आगे मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ क्या दिक्कत हुई। तो दोस्तों जैसे आपने देख लिया ब्लॉग में जो मैंने छोटा सा बनाया था कि भाई ये जो पार्ट है इसका ना, ये भाई इन्होंने मुझे टूटा हुआ दे दिया है। अब पता नहीं ऐसा ही होता है क्या है, क्योंकि ये इसके अंदर जो सामान इन्होंने भरा हुआ ना वो भी निकल रहा है ना, तो ये भाई ख़राब चीज़ है। वैसे तो फिक्स तो सही हो रहा है लेकिन ये चीज़ ना मैंने आपको दिखाया वीडियो में, ये ना घूम रहा है फ़ोन लगाने के बाद ऐसे, तो उसका मुझे इशू लग रहा है, मुझे वापस करना पड़ेगा नहीं तो उसमें 5 स्टार लगाऊंगा अगर उन्होंने वापस नहीं किया, क्योंकि वीडियो थोड़े दिन बाद बना रहा हूं मैं, बाकी से दुकान पे लिया था। ओवरऑल प्रोडक्ट तो ख़राब है तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपको ऐसा ऑनलाइन दिखे तो ना ही लें, क्योंकि ये वाली जो चीज़ होती है ना ये बहुत जल्दी टूट जाती है, ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सीबल है नहीं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टूट जाएगी थोड़े बहुत दिन बाद, और इतनी ईजिली भी ये जो हम यहाँ पे देखें ना, ये थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, तो ये ना ले, मैंने गलती से ले लिया, चलो कोई बात नहीं, तो आपको मैं बता रहा हूँ ये ना ले। तो ये छोटा सा रिव्यू था, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।